नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसे बताइए। पहला प्रश्न है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दुआब में बोली जाती है? बताइए, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दुआब में बोली जाती है? बुंदेलखंडी की खड़ी बोली, अवधी की ब्रज भाषा? तो देखिए, पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, खड़ी बोली जो है यह राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंडों और ऊपरी दुआब में बोली जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, हम सब जितना प्रश्न आज पढ़ेंगे, यह देखिए 2015 में जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें सभी यह पूछा गया प्रश्न है। हम सब जो है पिछले साल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सब डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है, इसे बताइए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? बताइए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है कि ग्राम सभा कहा जाता है कि ग्राम पंचायत कहा जाता है कि नगर पालिका कहा जाता है? देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को जो है पंचायत समिति कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है, इसे बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कानपुर है कि लखनऊ है कि अलीगढ़ है कि बरेली है? तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए सही होगा। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है कानपुर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा, इसे बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? बताइए, मुरादाबाद से कि वाराणसी से कि कानपुर से कि लखनऊ से? देखिए, चार का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो देखिए, जो मुरादाबाद शहर है वहाँ से जो है पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, हम सब जो है सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश में कुल 1000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। ये दोस्तों, आप सभी प्रश्न देखना चाहते हैं तो आपको वह सभी वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँच है, इसे बताइए, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभक्त है? बताइए, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभक्त है? 75 जिलों में कि 85 जिलों में कि 95 जिलों में कि 65 जिलों में? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला और 18 मंडल है, इसे आप याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला और 18 मंडल है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर छः है, इसे बताइए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झांसी में कि इलाहाबाद में कि गाजियाबाद में कि आगरा में? तो देखिए, छः का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी सही होगा। देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय सूबेदारगंज यानी इलाहाबाद में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये अभी याद रखिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, इसे याद रखिएगा। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर सात है, इसे बताइए, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? बताइए, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर को कि वाराणसी को कि आगरा को कि सारनाथ को? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, वाराणसी शहर को जो है विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर आठ है, इसे बताइए,
चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? बताइए चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? आगरा और कानपुर है कि सोनभद्र और इलाहाबाद है कि जौनपुर और रामपुर है कि मुरादाबाद और लखनऊ? देखिए आठ का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चमड़े की वस्तुओं के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर नौ है, इसे बताइए भू कृषि कार्य कार्ड कौन सा है? बताइए इनमें से भू कृषि कार्य कार्ड कौन सा है? बताइए गिरदावरी है कि पंचनामा है कि जमाबंदी है कि खतौनी है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भू कृषि कार्य कार्ड जो है गिरदावरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लेखपाल के कागजात यानी खसरा खतौनी सजरा यानी जिसे गांव का नक्शा कहा जाता है रोजनामचा जिल्द बंदोबस्त इन सभी के बारे में विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इन पर एक लेक्चर वाइज वीडियो बना दिया है। यदि आपको वीडियो देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि खसरा खतौनी जमाबंदी ये सब क्या होता है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए एक बीसवां का एक बीघा से क्या अनुपात है? बताइए एक बीसवां का एक बीघा से क्या अनुपात है? आधा की एक चौथाई की एक दसवां की एक बीसवां? तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो देखिए एक बीसवां एक बीघा का बीसवां भाग होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए एक बीसवां जो होता है एक बीघा का बीसवां भाग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? बताइए एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840 की 2025 की 4425 की 3025? देखिए एक एकड़ जो होता है वह 4840 वर्ग गज के बराबर होता है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए NREGP का पूर्ण रूप क्या है? बताइए NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम है कि राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। NREGP का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इसे बताइए जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? बताइए 195 की 300 की 350 की 50? देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा, 300 होने चाहिए। यानी जिला अस्पतालों के लिए जो है भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम देखिए 300 बिस्तर होने चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? बताइए कर रियायत की बट्टा की कर मुक्ति की छूट? देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए बट्टा जो है बट्टे का प्रोत्साहन दिया जाता है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, इसे बताइए उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? बताइए उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं है कि गन्ना है कि मक्का है कि चावल है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तर प्रदेश की जो एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है वह गन्ना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, इसे बताइए एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? बताइए एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 5 से 20 की 7 से 17 की 10 से 20 की 5 से 9? देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए 7 से 17 जो है सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। दोस्तों यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा डेली दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश तथा डेली दोपहर 2 बजे यूपी स्पेशल GK और रात 8 बजे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, इसे बताइए उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की, भारत का राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की राज्यपाल? देखिए 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर देखिए बी सही होगा, तो भारत का राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, इसे बताइए उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी मीटिंग होनी चाहिए? बताइए उत्तर प्रदेश में एक वर्ष न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? 3, 4, 6, 2? देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो देखिए एक वर्ष में जो है उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 सभा की बैठक अनिवार्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, इसे बताइए एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी? बताइए एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष है कि 25 वर्ष है कि 35 वर्ष है कि 18 वर्ष है? देखिए 19 का ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। तो पंचायत चुनाव का सदस्य बनने के लिए जो है व्यक्ति की आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, इसे बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? गोरखपुर में कि आगरा में कि कानपुर में कि लखनऊ में? देखिए गोरखपुर जिले में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था, आज हम कुल 20 प्रश्न पढ़े हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें यह बताइएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अब मिलते हैं दोपहर 2 बजे UP स्पेशल GK के साथ। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, नमस्कार।